हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। गाइस आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि पीठ पीछे क्या गॉसिप हो रही है आपको लेकर आजकल। ओके, आपको लेकर क्या गॉसिप हो रही है लोगों के बीच, वही हम देखेंगे। टाइमलेस है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। ओके, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। यहाँ पे फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा फायर साइन आया है। ओके, स्पेशली लियो हो सकता है जोडियक साइन। ओके, बाकी हम रीडिंग पे आते हैं। सो आपको लेके क्या गॉसिप हो रही है लोगों के बीच? गाइस लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। मे बी ऐसा हो सकता है जिन लोगों के साथ ना आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, जो आपके वो कहते हैं ना बेस्ट बडी टाइप के लोग थे, या जिनके साथ ना आप बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है पास्ट में, और ये आपके लव रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, उस पर्सन का हो सकता है स्पेशली, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जिस ग्रुप सर्कल में ना आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता था लोगों के साथ घुलना मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ इंजॉय करना टाइम को, अब बेसिकली ना वहाँ से आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर गए हैं। अब ना मतलब ऐसा हो गया है कि मन आता है तो आप बात कर लेते हो, अदरवाइज़ मन नहीं करता ना आपका तो बिल्कुल ही वहाँ से कट ऑफ हो। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इसी वजह से ना गॉसिप हो रही है, क्योंकि कहीं ना आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है अपने चारों तरफ, तो उन्हें नहीं समझ आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आप किसी बात से दुखी हैं या आप किसी बात से खुश हैं, आप किसी के साथ कमिटेड हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, और इसी वजह से ना लोग आपके बारे में गॉसिप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। साथ ही उन्हें ये चीज़ समझ आ रही है कि आप में मैच्योरिटी बहुत आ गई है और आप ना अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो गए हैं, या आप भी आप रिसेंटली ना किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स भी आया है और साथ में टेन ऑफ कप्स भी है, तो मे बी या तो आपका रिश्ता पक्का हो गया, इस वजह से आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है, या कहीं ना कहीं वो आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपके सोशल मीडिया पर फ्रेंड है तो वो देख रहे हैं, या तो आप कुछ इस टाइप की डी पीज लगा रहे हैं या इस टाइप का स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पर, जिसको देख के उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। ओके, कुछ रोमांटिक लगा रहे हो या कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब समथिंग कुछ इस टाइप के स्टेटस वगैरह आप लगा रहे हो, जिसको देख के उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप किसी के साथ अपनी न्यू लाइफ की जर्नी शुरू कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आप अभी तक सिंगल अपने आप को प्रिटेंड करते थे कि हाँ मैं सिंगल हूँ, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, और सडनली ना आपकी स्टोरीज आपके स्टेटस वगैरह बहुत चेंज हो गए हैं, तो उस चीज़ को देख के उन्हें लग रहा है कि नहीं, आपकी लाइफ में ना कोई एंट्री ले लिया है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, इसलिए उन लोगों के साथ आप कट ऑफ कर चुके हो, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव थे और आप कुछ ना कुछ ऐसा रोमांटिक स्टेटस पोस्ट वगैरह कुछ ना कुछ डालते रहते थे, बट सडनली क्या हुआ है ना आप बिल्कुल गायब हो गए हो, मतलब सोशल मीडिया पे भी कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही है, कोई स्टेटस नहीं डल रहा, कोई डीपी चेंज नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, डीपी या तो बिल्कुल ही हटा दी है, या कुछ ऐसा हो सकता
सकता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस हो अपने काम को लेके और वो चीज़ भी आप नहीं दिखा रहे हो, तो बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना उसकी वजह से ना लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं पीठ पीछे, या उन्हें ये चीज़ हो रही है कि इसके बारे में जानना है हमें कि यह क्या कर रहा है, और उन्हें ये चीज़ तो ज़रूर समझ आ रही है कि नहीं आप अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हो जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ओके, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है रिलेशनशिप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसको दे रहे हो या फिर अपनी फैमिली को दे रहे हो, अपनी फैमिली में किसी का रिश्ता वगैरह पक्का हुआ है, मैरिज वगैरह है, या उनके साथ फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो टाइम, या फिर ऐसा है कि करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, आपको ये है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ है आपके गोल्स उनको अचीव करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो आप, और आप ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे उन्हें ये चीज़ फील हो रही है कि नहीं आप शाइन कर रहे हो, या एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम से आप शाइन करके निकलोगे, तो इसलिए भी ना उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि नहीं भाई इसके बारे में जानना है, हमें इसके बारे में जानना है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ना चीज़ें उन्हें ये चुभ रही है, जो आपका नेचर, जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ है ना सडनली, कि पहले आप हर एक चीज़ बता देते थे, आप बहुत ज़्यादा मुँह फट थे, आपके जो भी आइडियाज़ होते थे, जो भी कुछ होता था ना आप बोल देते थे, अगर कोई बात बुरी लगी है तो बोल दी, अच्छी लगी है तो बोल दी, जो आपके प्लान्स है वो शेयर कर दिए कि अच्छा मेरे को ये करना है, मेरा ये काम रह गया है उसको कंप्लीट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा शेयर करते थे। बट सडनली क्या हुआ है ना कि आपने ना अपने चारों तरफ एक बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, और उसमें आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना स्टक हो, क्या हो रहा है, कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है, मतलब कुछ भी उन्हें नहीं समझ आ रहा है। और बहुत फायरी नेचर, मतलब एकदम से ना अपने काम के लिए डेडिकेट होना, पैशनेट होना, और अपनी लाइफ में ना वो चीज़ें कर रहे हो उन्हें समझ आ रही है, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है, या तो कुछ ऐसा है कि कुछ लोग हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने में, ग्रो करने में। ओके, वो चीज़ हो सकती है। और ये लोग वो हैं जो ज़्यादा गॉसिप इसलिए कर रहे हैं, जिनके साथ आपने या तो किसी टाइप की स्टडी कंप्लीट की है, या ऑफिस में भी हो सकते हैं, लेकिन सडनली ना उनके साथ आपने उठना बैठना बंद कर दिया है। ये आपके नेबर्स भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका अच्छा खासा बॉन्ड था, बट सडनली आपने उनसे बात करना ही छोड़ दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें थोड़ा बहुत पता है, या थोड़ी बहुत आप उनसे हेल्प वगैरह लेते रहते हैं, या कनेक्टेड हैं, तो उन्हें ये चीज़ पता है कि हाँ आप अपनी लाइफ ना अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो गए हैं, आपके दिमाग में ना सिर्फ करियर है और सिर्फ करियर है, तो वह चीज़ है कि या तो वो बोल रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि नहीं आपका फोकस ना करियर पे है, फाइनेंस पे है, कि आपको जो चीज़ अचीव करनी है ना उस पे मेन गोल सेट कर लिया है आपने कि इस साल मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, और आप किसी पे भी ना कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, कोई आपको अच्छा बोल रहा है उस पे रिएक्शन नहीं है, कोई बुरा बोल रहा है उस पे रिएक्शन नहीं है, अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ें कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका फोकस भी नहीं है इधर उधर की चीज़ों में, आपका मेन गोल है कि उस चीज़ को अचीव करना है। मे बी शायद आपने कोई ना कोई टारगेट रखा हो कि इस साल मुझे घर लेना है, या इस साल मुझे प्रमोशन चाहिए, या इस साल मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, या नया व्हीकल लेना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि बाहर घूमने फिरने जाना है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ना फोकस्ड हो गए हो, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन होने लग रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका मेन फोकस ना अब दुनियादारी से ज़्यादा अपनी फैमिली पे, और जिस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आए हैं, या तो एंगेजमेंट हो गई है, या आपकी फैमिली ने आपका रोका वगैरह करवा दिया है किसी के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ही कोई पसंद आ गया है, क्योंकि यहाँ टू ऑफ कप्स से मुझे लग रहा है, तो आप अपनी लाइफ में ना अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, और अब वो पहले की तरह मुँह फट टाइप पर्सन नहीं दिख रहा है, और ना ही ना आपके आइडियाज़ आप शेयर कर रहे हो, तो वो चीज़ को लेके भी ना क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई अब तो ये हमें कुछ बताते ही नहीं है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या चाह रहा है, और उन्हें पता है कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हो। ओके, उन्हें ये चीज़ भी पता है कि आप बने ही बॉर्न शाइन करने के लिए हो, तो उन्हें ना ये चीज़ की जलन भी है थोड़ी बहुत कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमने सेम टाइम पे सेम पढ़ाई की है लेकिन ये हमसे बहुत आगे निकल जाए। पहले आप बहुत मुँह फटते, बहुत
जल्दी कुछ ना कुछ बोल देना या अपनी आइडियाज़ को पहले ही रिवील कर देना उस पर एक्शन लेने से पहले। लेकिन अब बहुत रिजर्व हो गए हो ना, तो मे बी शायद ऐसा हो सकता है उन्हें इस बात की ना जलन भी हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना क्रिएटिव बंदा है, इसको बहुत आइडियाज़ है, बहुत नॉलेज भी है सोशल मीडिया से रिलेटेड या जिस भी काम में आप हो, कहीं ऐसा ना हो ये इंसान जो है ना एक सन की तरह चमक जाए, एक स्टार की तरह चमक जाए और हम वहीं के वहीं रह जाएँ। क्योंकि अभी जो ये बाउंड्री सेट कर रखी है ना आपने, तो वो उसके पार नहीं जा पा रहे, क्योंकि आप ही नहीं कुछ बता रहे तो वो कैसे जान लेंगे। जब आप किसी से कुछ शेयर कर ही नहीं रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उन्हें कैसे समझ आएगा। और मे बी ऐसा हो सकता है ना कि कुछ लोगों को आप बहुत थोड़ा बहुत बता दिया, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा बता दिया, कुछ लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं बताया कि आप क्या कर रहे हो। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही है कि ये वॉन्ट से मुझे देख के एकदम से लगा है, चैनल हुआ है कि किसी को तो आपने बता दिया कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, किसी को थोड़ा ज़्यादा बता दिया कि अरे हाँ मेरा ना ये चल रहा है, बट किसी किसी के लिए बिल्कुल ही नहीं बताना। तो वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो इस वजह से भी ना लोग बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और ये कार्ड पता नहीं ये शायद रह गया था, आई डोंट नो गाइस, शायद रह गया होगा डेक का, तो ये कार्ड रह गया था शायद। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ट्रॉफी वगैरह मिली है या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसमें चेंज आया। आपका बेसिकली पूरा ओवरऑल ना जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है ना, उसको देख के लोगों को जलन भी हो रही है, उसको देख के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और उसको लेके ना ये भी हो रहा है इनसिक्योरिटी भी उजग रही है उनकी कि भाई ये हमसे आगे निकल जाएगा, ये कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगा या दिखाएगी जो शायद हम नहीं कर पाएँ। तो उन्हें ना उस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई इसके बारे में जानना है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जो कि आप नहीं बता रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना आप मिस्टेरियस से पर्सन बन गए हो, बहुत ज़्यादा ही ना अपने चारों तरफ जो दीवार खड़ी कर ली है ना उसमें जो एंट्री नहीं लेने दे रहे हो, वो चीज़ है मेन। और आप में ना मैच्योरिटी भी आ गई है, ये भी चीज़ है कि या तो ऐसा हो सकता है कि पहले आप बहुत चाइल्डिश बिहेव करते थे, वो आप चीज़ दिखा देते थे कि हाँ मुझे नहीं है तो नहीं है आइडिया, बट अब ना आप बहुत रिजर्व हो गए हो, अब आप अपना वो चाइल्डिश बिहेव नहीं दिखा रहे हो, बहुत मैच्योरिटी से ना चीज़ों में डील कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। सेपरेशन में भी शायद आप लोगों ने ना इन लोगों के साथ बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो, मतलब बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी टच में नहीं हो, वो चीज़ हो सकती है। तो इस वजह से भी ना लोग गॉसिप कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही हमसे कटा कटा घूम रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो उतना ही जानना चाह रहे हैं, वो उतना ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक और चीज़ मुझे ऐसी लग रही है, लोग ये भी गॉसिप कर रहे हैं, जब आपका मन होता है ना आप इनके पास जाते हो, थोड़ी बहुत बात करते हो और चले जाते हो, और उतनी बात करोगे जितना आपको बताना है या जितना आपको लगता है कि हाँ इतना ठीक है कि थोड़ा बहुत टच में रहे और फिर चल दो अपने काम पे। तो ये चीज़ भी ना उन्हें बड़ी चुभ रही है कि भाई ये क्या बात है कि ये इंसान ना अपने मतलब से आता है, काम वाम पूछता है और काम की बात करता है और चला जाता है, मतलब जो बेसिकली पहले जैसा बॉन्ड था ना वैसा आप शेयर नहीं कर रहे हैं उनसे। यह सबसे ज़्यादा चुभन इसी बात की है कि जो आप अपने सीक्रेट्स, अपने फ्यूचर प्लान्स को शेयर नहीं कर रहे ना, उस चीज़ को लेके हो सकती है। ट्रैवल मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना इंजॉय कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, या कहीं घूमने फिरने का सोच रहे हो, उसकी प्लानिंग में लगे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो चल रहा जो बहुत बियॉन्ड इल्यूजन है, मतलब जिसका उन्हें एहसास भी नहीं हो रहा है, वो चीज़ें हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान ना हमें नहीं बताएगा, ये इंसान हमें नहीं बताएगा, और ना ही आप उनसे गाइडेंस ले रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब वो बहुत स्टक सा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ ना उन्हें और भी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उन्हें ये चीज़ दिख रही है आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर वाइज,
आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत हैप्पीनेस लाए आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली में जैसे किसी का रिश्ता पक्का हो जाना, या आपका ही रिश्ता पक्का हो गया हो, या वही ट्रैवल वाली बात है कि आप कहीं घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का सोच रहे हो अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, वेकेशन के लिए जाना चाहती हो, तो कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से गॉसिप हो रही है आपके पड़ोस में, आपके आसपास के जो लोग हैं, और लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। बेसिकली वही चीज़ है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेट भी हो रहे हैं। जो भी चीज़ें आप अचीव कर रहे हो उसको खुद में ही इंजॉय कर रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, या तो पास्ट में ना कुछ चीज़ें आपने शेयर की होंगी और उसको नज़र लग गई होगी, जिसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं अपनी चीज़ों को लेके, अपने जो भी अचीव किया है अपनी फैमिली को लेके जो भी है, तो आप ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो कि नहीं भाई अब मुझे किसी से शेयर नहीं करना, नज़र लग जाती है, तो इंजॉय कर रहे हो। नाइन ऑफ कप क्या होता है, विश फुलफिलमेंट हो रही हैं आपकी, लेकिन वो उनसे शेयर नहीं की जा रही हैं, वो चीज़ उन्हें चुभ रही है और कुछ नहीं है, और इसी वजह से गॉसिप हो रही है। बहुत फोकस हो गए हो, इधर उधर पे ध्यान नहीं है, सिर्फ अपने काम पे फोकस है, अपने फाइनेंस पे फोकस है, और जो आपके अंदर का बच्चा था ना वो आज भी जिंदा है बट उनको नहीं दिख रहा है। वो चीज़ है कि जो आपका चाइल्डिश बिहेव था ना कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, तो वो आज भी है, लेकिन अब ना आप वो ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। अब जैसे लोग आपके साथ हैं वैसे ही आप लोगों के साथ हैं, और एडजस्ट होना आता है आपको, आपकी स्माइल जो आपका फेस है ना वो लोगों को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि लोगों को ना आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी भी ग्रुप सर्कल की ना आप जान हो, वो चीज़ हो सकती है कि आप ना रौनक बन जाते हो। सो या गाइस, मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ, 2/11/20, 1/10/19/28, 9/18/27, 6/15/24, 7/16/25, 8/17/26, और 3/12/21 भी हो सकती है। यही मुझे बर्थ डेट दिख रही है। और बर्थ मंथ की बात करूँ, जनवरी फरवरी मार्च और जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताई है, अगर वो रेजोनेट नहीं करती, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडियक साइन की बात की जाए, यहाँ फायर साइन बहुत ज़्यादा है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है और एयर साइन भी है, तो जोडियक साइन यहाँ सारे ही मौजूद है। स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। या गाइज, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।